में मिली कांग्रेस को बुरी हार के बाद एक के बाद एक कांग्रेस के नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है और यहां के नेता ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। बीते दौरान ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के सीएम यानी कि हरीश रावत भी अब अपनी राजनीति को छोड़ सकते हैं। रविवार को सक्रिय राजनीति छोड़ने के संकेत देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे दिए हैं जहां पर कहा जा रहा है कि वो अपनी पारी खेल चुके हैं, अब अपने परिवार तथा मित्रों के साथ वो समय बिताना चाहते हैं। 3 जुलाई को कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले को सोशल मीडिया के जरिए साझा करने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने इसकी वजह हाल ही में लोकसभा चुनावों में असम में पार्टी को मिली करारी हार बताया। रावत असम में पार्टी मामलों के प्रभारी थे। अपने ट्वीट में रावत ने कहा है कि मैंने अपनी कमजोरी महसूस की है और महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं हरीश रावत का भी इस्तीफा सामने आ गया है और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरीके से बिखरती हुई देखी जा रही है। SP9 न्यूज से नैंसी की रिपोर्ट।